दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद लोगों की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार और एलजी ने जहां मार्केट की दुकानों को ऑड इवन की तर्ज पर खोलने की पाबंदियां और नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है, तो वहीं शादी समारोह में गेस्ट की संख्या को 20 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। तस्वीरें मांगेराम मार्केट के किसान वाटिका की हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार के नए आदेश के बाद शादी के लिए इस वाटिका को सजाया गया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार 50% क्षमता के अधिकतम 200 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, जबकि इनसे पहले संख्या को सीमित करते हुए 20 कर दिया गया था, जिससे फंक्शन करने और अरेंज करने वाले दोनों ही असमंजस की स्थिति में फंस गए थे और इस वजह से जनवरी महीने तक की सारी बुकिंग कैंसिल हो गई थी। मेरा नाम कमल सिंह सेंगर है और मैं सरकार का और एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम हमारे व्यापार के लिए कुछ सोचा, टेंट के लिए कि 200 आदमी के लिए खोला, कम से कम कितनी लेबर काम करने वाली है, और बेचारी प्लान कर रही थी, मगर अब सरकार ने खोला है तो बहुत अच्छा किया। कम से कम 200 आदमी के लिए प्रोग्राम होगा वाटिकाओं में, तो कम से कम हमारा जो इतना घाटा है कुछ तो कम से कम कवर करेंगे हम लोग इसमें। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी क्या तैयारी करवा रहे हैं, अब अभी सरकार से पता चला है कि भाई 200 आदमी के लिए खुला है, तो अब तैयारी करवा रहे हैं। वैसे तो बुकिंग हमारी बहुत कैंसिल हो गई इसमें, अब वह 4-5 बुकिंग हैं, कम से कम कुछ तो एडजस्ट होगा, क्यों वाटका किराया भी देना है, लेबरों को भी देना है, सबको देना है। सरकार का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।